हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है बीपीएससी टीआरई 3 का, वो आ चुका है। उसका शेड्यूल कल ही आया है, जो 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। आपके पास 13-14 दिन का, 15 दिन का टाइम है, और इसे पूरा कोशिश करूँगी कि रोज़ आपको वीडियो का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, और मैं टीआरई 2 में जितने भी 79 वीडियोज़ का प्रैक्टिस कराई हूँ उसको भी देखिए, और जो मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो केवीएस एनवीएस में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ से मैं क्वेश्चन को ले करके आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, और जहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर्स में पूछे जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। और मैं जो 11th-12th का सरस्वती प्रकाशन का जो मैराथन कराई हूँ उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप ये मत समझिए कि सरस्वती प्रकाशन से ही आएगा या एनसीईआरटी से ही आएगा, जो भी आप पढ़े हैं उसी में से आएगा, लेकिन आपको ध्यान से क्लियर होके जाना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बीच में स्किप करके मत पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो क्वेश्चन है, उपास्थि यानी कार्टिलेज जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती हैं वो क्या कहलाती है। दोस्तों, जैसे कि कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल में हमारा कार्टिलेज यानी उपास्थि और अस्थि आती है। अस्थि जो होती है वो कठोर होती है, और कार्टिलेज जो उपास्थि होती है वो लचीला होता है। जो उपास्थि होती है वो 3 प्रकार की होती है, उपास्थि यानी कार्टिलेज 3 प्रकार की होती है, इलास्टिक, फाइबर एंड हायलिन। तो जो सिराओं पे, जोड़ों पे होती है और शरीर को गति प्रदान करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं, वो आपके जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती हैं, उसे पारभासी उपास्थि यानी हाईलैंड उपास्थि कहते हैं। और क्वेश्चन आया भी था बिहार या स्टेट में कि लंबी अस्थियों के बीच में जो गद्देदार रूप से कार्टिलेज जुड़ा होता है कौन सा उपास्थि होता है, तो हाईलैंड उपास्थि था। नेक्स्ट है, शरीर में लंबी हड्डियों का क्या कार्य है। तो आप सबको पता है कि लंबी हड्डियों का कार्य है उत्तोलक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है, टार्सल बोन यानी टखना और उसके ऊपरी भाग की हड्डी का खास कार्य क्या है। कार्पल बोन हमारे कलाई में होता है, ये 8 होती है, और टार्सल बोन जो हमारे टखने में होता है जो 7 होती है। टार्सल बोन कितने होते हैं, 7 होते हैं, दोनों को याद रखिएगा। तो जो टार्सल बोन होता है हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है और शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि जो टार्सल बोन होता है वह खड़े होते समय शरीर का भार संभालती है यानी शक्ति प्रदान करती है, और जॉइंट्स जो होती है वो एक्सिस का काम करती है, उत्तोलक के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका राइट होगा। जब इस प्रकार का लगे कि तीनों सही है तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, साइनोवियल ज्वाइंट्स एक ऐसी झिल्ली वाला जोड़ है जो हड्डियों के बीच तरल पदार्थ रखती है और जिसके कारण वह जोड़ या ज्वाइंट हिलता डुलता है का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका उदाहरण है घुटने का जोड़। दोस्तों, जोड़ों पर साइनोवियल फ्लूइड यानी द्रव पाया जाता है जो एक ग्रीस के रूप में कार्य करता है, जो हड्डियों को आपस में घिसने नहीं देता, लुब्रिकेट्स प्रदान करता है जिससे गति आसानी से होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मांसपेशियां लंबी अवधि वाले कार्य में थकान से बचाती हैं। तो मैंने हर वीडियो में बताया है दोस्तों, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं, तंतु होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर स्लो ट्विस्ट धीरे धीरे संकुचित होती हैं, और व्हाइट मसल फाइबर फास्ट ट्विस्ट यानी जल्दी जल्दी संकुचित होती हैं।
जो रेड मसल फाइबर होती हैं, स्लो ट्विस्ट फाइबर धीरे धीरे संकुचित होती हैं, वो एरोबिक प्रकार की क्रियाओं यानी लंबे समय की क्रियाओं, लो इंटेंसिटी यानी कि कम तीव्रता वाली क्रियाओं को ज़्यादा समय की जो क्रियाएँ होती हैं उसमें अधिक अवधि वाले कार्य में थकान से बचाती हैं, और यानी कि सहनशीलता वाले कार्यों में लाल मसल फाइबर यानी लाल पेशी तंतु यानी रेड मसल फाइबर जो धीरे धीरे संकुचित होती हैं वो इसमें थकान से बचाती हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड वहीं पे देता दोस्तों शक्तिवर्धक चीजें हाई इंटेंसिटी अन एरोबिक एक्सरसाइज या अन एरोबिक एक्टिविटीज जिसमें हाई इंटेंसिटी यानी कि हाई तीव्रता होती है उसमें कौन सी मसल्स फाइबर यूज होती हैं ज़्यादातर, तो शॉर्ट फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी कि वाइड मसल फाइबर यूज होता है। नेक्स्ट है जिन मांसपेशियों के कारण संधियां यानी जोड़ मुड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों मोड़ने को फ्लेक्शन बोलते हैं यानी आकुंचन, और फैलाने को वापस स्थिति में आने को एक्सटेंशन बोलते हैं यानी कि प्रसारण बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा था दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके पूछा था, आप पूछ भी सकता है कि जिन मांसपेशियों के कारण संधियां जोड़ यानी मुड़ जाती हैं उन्हें आकुंचनी पेशियां कहते हैं यानी फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं, ठीक है। आज इसमें फैल जाती है उसे प्रसारण यानी कि एक्सटेंशन मसल्स कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बल उत्पादन लेकिन तंतु प्रवर्धन का एक अन्य नाम क्या है, तो बल उत्पादन हो रहा है लेकिन तंतु क्या है प्रवर्धन यानी कि लंबाई बढ़ रही है, तो लंबाई घटती है और बढ़ती किसमें है दोस्तों, तो शक्ति उत्पादन की शक्ति यानी स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियां हैं आइसोटेनिक आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक में लंबाई सेम रहती है, आइसो प्लस मेट्रिक यानी सेम लंबाई कोई चेंज नहीं होता, कारण होता दिखाई नहीं देता जैसे दीवार को धक्का मारना। दूसरा होता है आपका आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है पेशियों की लंबाई जो है घटती बढ़ती रहती है, तो दो प्रकार का होता है कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। जो आइसोटोनिक होता है दो प्रकार का होता है कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, जैसे हम डंबल अभ्यास कर रहे हैं ऊपर की तरफ ला रहे हैं मांसपेशी की लंबाई कम हो रही है उस कंडीशन को हम कहेंगे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन, जब हम वापस डंबल्स को नीचे की तरफ लाते हैं तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ रही है उस कंडीशन को हम कहते हैं इसेंट्रिक कंट्रक्शन। यहाँ पे जो कहने का तात्पर्य है हिंदी में दिया है और इंग्लिश में देता है तो आपको अच्छे से समझ आता। तो बल उत्पादन लेकिन तंतु प्रवर्धन का एक अन्य नाम क्या है, प्रवर्धन यानी कि तंतु यानी मांसपेशी की लंबाई बढ़ रही है उसे हम कहेंगे उत्केंद्री संकुचन यानी कि इसेंट्रिक कंट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइफोसिस का एक अन्य नाम यह भी है, तो दोस्तों काइफोसिस का अन्य नाम गोल पृष्ठ यानी कि गोलाकार पृष्ठ भी कहा जाता है। अवतल तो नहीं होगा, अवतल मतलब धसा हुआ उसको लार्डोसिस हो जाएगा दोस्तों। एंड पार्श्व पृष्ठ भी नहीं होगा क्योंकि पार्श्व जो स्कोलियोसिस को कहते हैं, और यहाँ पे काइफोसिस जो पीछे का जो पीठ वाला भाग होता है थोरेसिक भाग वो यानी कि एक्सेसिव कर आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन जो स्पाइनल कार्ड होता है स्पाइन रीढ़ की हड्डी होता है ऊपर वाला थोरेसिक वाला भाग वो बाहर की तरफ निकल जाता है, इसे गोल पृष्ठ भी कहा जाता है या घुमावदार पृष्ठ भी कहा जाता है, घुमावदार पीठ भी कहा जाता है। और काइफोसिस को जैसे कि घुमावदार पीठ, राउंड बैक, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। और काइफोसिस को सुधारने के लिए एक्सरसाइज है सुपाइन पोजीशन में गर्दन के पीछे हाथ फंसाकर सीधा खड़ा करके बेल्ट गर्दन के पीछे लगाना और धनुरासन नियमित रूप से करना, कंधों के नीचे सैंड बैग रखना आदि सोते समय। एंड नेक्स्ट है कुबड़ापन को यह भी कहा जाता है, तो दोस्तों फिर वही क्वेश्चन कुबड़ापन को काइफोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि अग्रकुब्जता
लार्डोसिस को बोला जाता है, जिसे पेट बाहर की तरफ निकल जाता है और जो हमारे कमल होता है वो अंदर की तरफ धंस जाता है। और पार्श्व कुब्जता लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन स्कोलियोसिस को बोला जाता है, जिसमें हिप यानी कंधा एक तरफ और यानी कि कंधा एक तरफ और हिप यानी कि कुल्हा दूसरी तरफ मुड़ जाता है, सी या एस का आकृति बनाता है, उसको स्कोलियोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है मेरुदंड की तिरछी वक्रता को क्या कहते हैं? दोस्तों तिरछी वक्रता को स्कोलियोसिस यानी कि पार्श्व कुब्जता बोला जाता है। याद रखिएगा स्कोलियोसिस को पार्श्व कुब्जता भी बोला जाता है। स्कोलियोसिस होता क्या है? मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी कि लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन, यानी कि मेरुदंड यानी स्पाइन का एक ओर झुकना, जिससे शोल्डर एक तरफ व हिप दूसरी तरफ झुक जाता है। जो यह दो प्रकार का होता है, सिंगल स्कोलियोसिस यानी सी आकार का, एस डबल स्कोलियोसिस यानी एस आकार का। इसको सुधारने के लिए, स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए शरीर को विपरीत दिशा में झुकाना यानी साइड बेंडिंग एक्सरसाइज करना होता है, बेस्ट स्ट्रोक अभ्यास करना होता है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है तैराकी स्कोलियोसिस के लिए, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त वायु अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पदार्थ के मार्ग को क्या कहते हैं? सेम यही क्वेश्चन दोस्तों आपके बीपीएससी टीआई 2 में आया हुआ था, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो मुक्त वायु अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पदार्थ के मार्ग को क्या कहते हैं? तो उसे परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आब्लिक्यू यानी कि परवलय कहा जाता है, आब्लिक्यू यानी कि परवलय कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि जो प्रक्षेपण होता है आब्लिक्यू यानी कि परवलय मुक्त वायु में, जैसे कि ये आपका ये हो गया, यहाँ पे कोई आपका फेंक रहा है गेंद, तो ये गेंद फेंकने की ये जो है जो परिधि बन रही है इसी को कहते हैं प्रक्षेपित पदार्थ का मार्ग। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फेंकने का मार्ग है इसी को परवलय कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? परवलय कहा जाता है, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेपण का भाग है, यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री होता है, ट्रेजेक्ट्री होता क्या है यानी फेंकी गई वस्तु के उड्डयन पथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। ये तीन प्रकार का होता है, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, परवलयाकार यानी कि ऑब्लिक्यू, और जिसमें तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्ट्री। जो ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल होता है, यानी यदि कोई वस्तु यदि फेंकी गई वस्तु एकदम ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ जाए, अर्थात वह वस्तु 90 अंश के कोण पर फेंकी गई हो, तो इसमें वस्तु सीधे ऊपर या सीधे नीचे फेंकी जाती है। अब किसी भी वस्तु को 90 अंश के कोण पर फेंकने पर प्रक्षेपण जो होता है वो शून्य होता है। और दूसरा होता है परवलयाकार, जो परवलय होता है ऑब्लिक्यू ट्रेजेक्ट्री, यदि प्रक्षेपण का कोण परवलयाकार हो तो यानी कि ऑब्लिक्यू हो, तिरछा हो, जिसमें 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है, ये 45 अंश के कोण पर फेंका गया ये परवलय है। और तीसरा होता है छेद यानी हॉरिजॉन्टल, जिसमें प्रक्षेपण का कोण शून्य होता है, तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि किसकी माप है? तो यह समय की माप है। नेक्स्ट दोस्तों चाल किसके माध्यम से सूचित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाल यानी कि स्पीड की जो सूत्र होता है, इस इकाई होती है मीटर के साथ आएगा तो प्रति सेकेंड, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, दो में से एक दिया रहेगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। स्पीड का जो इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकेंड इसमें दिया नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गति के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि न्यूटन ने जो एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ इंग्लैंड के थे, इन्होंने गति के तीन नियमों का प्रकाशन 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूटन ने गति के तीन नियमों का प्रकाशन किस पुस्तक में और कब किया? तो उन्होंने 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में किया। इन्होंने तीन नियम दिए हैं,
पहला नियम इनका है जड़त्व का नियम, जिसे जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। और जड़त्व का नियम है कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति कर रही है तो गति करती ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। और गति के प्रथम नियम का उदाहरण है जड़त्व का नियम का, जैसे कि नाव खेना यानी रोइंग, स्प्रिंट दौड़ों को स्टार्ट करना, रोमन रिंग का प्रारंभ, हैमर थ्रो का प्रारंभ, कुश्ती की विरोधी को ऊपर उठाना। गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम या त्वरण का नियम या लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या मोमेंटम बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। जाना जाता है वहां पे राइट आंसर था परिणामी बल, यानी कि बल के प्रतिफल का नियम भी उसे कहा जाता है, परिणामी बल का भी नियम कहा जाता है। यानी कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है, इसलिए इसको परिणामी बल का नियम भी कहते हैं न्यूटन के दूसरे नियम को, याद रखिएगा। दोस्तों जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है, और जो संवेग का नियम है दूसरा नियम, यह नियम लगाए गए बल, द्रव्यमान और त्वरण के मध्य आपसी जो संबंध है उसको बताता है। यानी कि किसी वस्तु का त्वरण जो है वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है और भार के यानी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना ही भार होगा त्वरण यानी संवेग उतना कम होगा, जितना भार कम होगा त्वरण यानी संवेग उतना ज्यादा होगा, यानी विपरीत संबंध है दोनों में, यानी त्वरण और द्रव्यमान यानी भार में, याद रखिएगा। और द्वितीय नियम के उदाहरण हैं जैसे रॉकेट को वायुमंडल में प्रक्षेपित करना, कुएं से पानी खींचने पर रस्सी के टूट जाना, ठीक। और न्यूटन की तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन या सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी का एग्जाम्पल है। यानी कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जानिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है, पहले बल को क्रिया कहेंगे और दूसरे बल को प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे नियम यानी गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है, जैसे तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, यानी पानी तैराक जो है पानी को अपनी तरफ खींचता है तो तैराक उतना ही जितना अपनी तरफ खींचता है उतने गति से आगे बढ़ता है। जैसे वॉकिंग यानी पैदल चाल, ये भी आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, गेंदों का ड्रिबलिंग करना, बाल को दीवार पर फेंकना, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नम सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना आदि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था गति के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है, तो जड़ता का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ पूरा क्लियर होता जाए, कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट है, यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो विश्लेषण करती है कि उन पिंडों का तो जो गति में है, यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो गति में है उन चीजों का, उन पिंडों का क्या है, विश्लेषण करती है। याद रखिएगा बायोमैकेनिक्स किसकी शाखा है पूछा गया था, राइट आंसर था भौतिकी। नेक्स्ट है, बल के कारण का वर्णन करने वाली यांत्रिकी की शाखा है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन आपके पूछा गया था, एक काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दो में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए आप दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, दोनों को अच्छे से समझना आपके लिए आवश्यक है दोस्तों, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में। यहां भी कह रहा है दोस्तों काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों में क्या अंतर है। काइनेटिक्स जो होता है आपके बीपीएससी टीआई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वह क्षेत्र जहां बलों का अध्ययन फोकस में रहता है वह क्या कहलाता है,
तो उसे काइनेटिक्स कहते हैं, जिसमें बल मुख्य है। ठीक है, तो काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स बल और गति ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स बल और गति। काइनेमेटिक्स को बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा गति लग रहा है, घर्षण लग रहा है, इसलिए सोचिएगा कि जो गति का अध्ययन करेगा वो काइनेमेटिक्स होगा और जो बल केंद्र में होगा वो काइनेटिक्स होगा। तो बल का विज्ञान यानी कि काइनेटिक्स में क्या होता है कि बलों का अध्ययन फोकस में रहता है, बलों का अध्ययन फोकस में रहता है। जबकि काइनेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि बल के कारण जो गति होती है वस्तुओं में उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि बल के कारण का वर्णन करने वाले यांत्रिकी को शाखा को क्या कहते हैं, शुद्ध गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान, गति विज्ञान। बल के कारण ही तो गति होता है दोस्तों, तो बल के कारण का वर्णन करने वाले यांत्रिकी की शाखा को जिसमें बल के कारण किसी वस्तु में गति हो रहा है वो आपका होगा शुद्ध गति विज्ञान यानी काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स नहीं, काइनेमेटिक्स। ठीक, और काइनेटिक्स में बल मुख्य होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है कि यांत्रिकी की वह शाखा जो उस बल की विवेचना करती है जो गति की स्थिति को पैदा करता है या बतलाता है क्या कहलाता है। यहाँ पे बल पे मुख्य जोर दिया गया है दोस्तों, जहाँ बल पे मुख्य जोर दिया गया वहाँ पे होगा बल गति विज्ञान यानी कि काइनेटिक्स। याद रखिएगा, शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स, जिसमें गति पर फोकस किया जाए, बल के कारण का वर्णन करने वाली यांत्रिकी शाखा को शुद्ध गति विज्ञान यानी कि काइनेमेटिक्स कहा जाता है, जिसमें बल की विवेचना की जाती है, बल जो है वो फोकस में रहता है उसे बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स बोला जाता है। दोनों में अंतर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर अस्थि पंजर में होते हैं, तो कंकाल तंत्र को स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो ये आंतरिक कंकाल की बात कर रहा है, आंतरिक कंकाल में अस्थियां और उपास्थियां आती हैं, जबकि बाह्य कंकाल में हमारे जो बाल है नाखून है ये आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी दिया है दोस्तों कि बाह्य अस्थि पंजर में होते हैं तो हमारे चर्म आवरण बाल और नाखून ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ों का अध्ययन कहलाता है, तो जोड़ों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी यानी कि संचलन विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या है, आप सबको पता है उर्वास्थि यानी कि फीमर है, सबसे छोटी हमारी स्टेपस है कान की, एंड सबसे मजबूत हमारे मैंडिबल है निचली जबड़े की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मास्थियां यानी मेटाकार्पल और उंगलियां फैलेंजेज किसके उदाहरण हैं, तो दोस्तों जो मेटाकार्पल होती हैं वह उदाहरण होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो ज्वाइंट्स होती हैं, ज्वाइंट्स के कारण ही गति होता है, ज्वाइंट्स के कारण ही गति होता है। तो जो हमारे संधि है ज्वाइंट्स तीन प्रकार की होती हैं, चल अचल और अर्धचल संधि। अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट्स फेस ज्वाइंट साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट इमूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं। अर्धचल संधि को सिग्ली मूवमेंट ज्वाइंट कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स या एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट भी बोलते हैं, और चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स साइनोवियल ज्वाइंट्स या डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा मैंने ट्रिक बताया था DAS यानी चल अचल चल अधचल अचल, डी से हो गया डायर्थ्रोसिस यानी चल संधि को बोलते हैं, ए से हो गया एम्फियार्थ्रोसिस यानी अर्धचल संधि को बोलते हैं, एस से हो गया साइनोथ्रोसिस यानी कि अचल संधि को बोलते हैं। यानी साइनोथ्रोसिस अचल संधि को साइनोवियल ज्वाइंट्स बोलेगा तो चल संधि हो जाएगा। तो जो आपका अचल संधि होता है फाइबर्स ज्वाइंट या साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, उसके अंतर्गत हमारा खोपड़ी की ज्वाइंट जिसे सूचर ज्वाइंट कहते हैं, एंड
टिबिया फिबुला हड्डी के निचला जोन एंड गोम्फोसिस जिसे पेगन साकेट ज्वाइंट कहते हैं जो दांतों का जोड़ होता है और साइको इलियक जोड़ जो सैक्रम हड्डी के बाहरी भाग कूल्हे में स्थित होता है एंड अधचल संधि में थोड़ा थोड़ा कम बहुत कम मूवमेंट होता है जैसे कि हमारा इंटरवर्टिबल ज्वाइंट यानी कि रीढ़ की हड्डी का ज्वाइंट सिंक्रोडोसिस यानी कि हमारे जो रिप्स ज्वाइंट पसलियों का ज्वाइंट होता है अर्धचल संधि में आता है और जो हमारे प्यूबिक सिंफेसिस यानी कि जो टेल बोन के पास का जोड़ होता है कुल्ले का सबसे निचला हिस्सा वो आता है अर्धचल में। अचल संधि में दोस्तों छह प्रकार की संधियां होती हैं जिसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स हिंज ज्वाइंट कॉन्डिलायर ज्वाइंट्स पिवट ज्वाइंट एंड सैडल ज्वाइंट्स। तो चल संधि छह प्रकार की होती हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट यानी कि एक हड्डी दूसरे चपटी हड्डी पर फिसलती है जिसे फिसलने वाले जोड़ भी कहते हैं जिसे सर्पण संधि भी कहते हैं जिसे कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट। एंड दोस्तों दूसरा होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जिसे कंदुक खलिका संधि भी कहते हैं जिसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरे हड्डी के कप के आकार में घुसा रहता है जिसमें सभी दिशाओं में गति होती है जैसे शोल्डर ज्वाइंट्स एंड हिप ज्वाइंट। तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट जिसे कोर संधि या कब्जा जोड़ भी कहते हैं। हिंज ज्वाइंट में एक तल में गति होती है यानी यूनि एक्सियल ज्वाइंट है एक ही दिशा में गति होती है जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है जैसे हमारा इसमें एग्जाम्पल है नी ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट उंगलियों का जोड़ जबड़ों का जोड़। चौथा होता है कॉन्डिलायर ज्वाइंट जिसे स्थूलक संधि भी कहते हैं। ये दो तलों में गति होता है यानी बाई एक्सियल मूवमेंट होता है जैसे हमारा रिस्ट ज्वाइंट कलाई का जोड़ जिसे हम मणिबंध या कलाई का जोड़ भी कहते हैं। क्या पांचवा होता है धुराग्र संधि यानी पिवट ज्वाइंट जिसमें रोटेशन मूवमेंट होता है यानी एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है जैसे हमारे सिर की गति और हमारे रेडियस अल्ना हड्डी में सुपाइनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट होता है। छठा होता है सैडल ज्वाइंट जिसे पृष्ठ संधि भी कहते हैं। सैडल ज्वाइंट को परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि भी कहते हैं जिसमें सैडल ज्वाइंट में किसी भी दिशा व तल में गति होती है जैसे ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि जिसमें अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कर्मास्थियां यानी मेटाकार्पल और अंगुलास्थियां फलेंजेज किसके उदाहरण है। तो यहाँ मेटाकार्पल की बात कर रहा है तो यहाँ पे दोस्तों पृष्ठ संधि यानी कि सैडल ज्वाइंट होगा। यहाँ पे मैं जस्ट अभी बताई हूँ कि जो ट्रेपेजियम तथा मेटाकार्पल अस्थि की संधि होती है कार्पल वल्नी बोलता दोस्तों तो कलाई की ज्वाइंट्स हो जाता यानी कॉन्डिलायर ज्वाइंट या स्थूलक संधि हो जाता लेकिन यहाँ मेटाकार्पल शब्द लगाया है और उंगलियों यानी कि जो अंगूठा सभी दिशाओं में चला जाता है केवल उंगलियां बोलता तो हिंज ज्वाइंट हो जाता यानी मेटाकार्पल शब्द लगाया यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठ संधि यानी कि सैडल ज्वाइंट यानी कि जिसमें अंगूठा सभी उंगलियों के सामने जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिबंध कर्मास्थियां संधि कहलाती है। मणिबंध यानी कलाई की बात कर रहा है तो कर्मास्थियां मणिबंध कलाई की बात कर रहा है मेरा कार्पल शब्द आएगा वहां पे इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा जैसे हिंदी नहीं समझ में आएगा तो हमेशा इंग्लिश का पढ़ के ही आंसर दीजिएगा क्योंकि हिंदी वाला शब्द समझ में नहीं आता है। तो मणिबंध कर्मास्थियां यहाँ पे अगर मेटाकार्पल शब्द लगा देगा तो पृष्ठिका संधि यानी कि सैडल ज्वाइंट हो जाएगा बट यहाँ पे केवल मणिबंध रहेगा तो आपका कलाई यानी कि कॉन्डिलायर ज्वाइंट हो जाएगा रिस्ट ज्वाइंट कलाई का जो कॉन्डिलायर ज्वाइंट होता है जो दो तल में गति होता है स्थूलक संधि। यहाँ पे मणिबंध कर्मास्थियां मणिबंध यानी कलाई कर्मास्थियां यानी कि मेटाकार्पल शब्द लगाया है इसलिए यहाँ पे पृष्ठिका संधि होगा। क्या होगा पृष्ठिका संधि यानी कि सैडल ज्वाइंट्स होगा। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि कठिन क्वेश्चंस हैं और आप आधा पे छोड़ के भाग जाइएगा तो आधे पे छोड़ के भागने वालों का सक्सेस नहीं मिलता है
पूरा आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कोई इतना डिटेल में बताने वाला नहीं है। अगर कोई बताने वाला मिल रहा है तो उसका उपयोग कीजिए। नेक्स्ट है, स्थूलक संधि में कौन सी गतियाँ संभव है। तो दोस्तों, स्थूलक संधि जो हमारा कार्डिलेटर ज्वाइंट्स होता है, कलाई की संधि, रिस्ट की ज्वाइंट, इसमें आपका आकुंचन, प्रसारण, अपावर्तन, अभिवर्तन, परिवर्तन पर सभी गतियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक अक्षीय संधि का उदाहरण है। दोस्तों, एक अक्षीय की बात कर रहा है, एक अक्ष में गति, तो एक तल में गति कहाँ पे होता है, तो एक अच्छी यूनिएक्सियल गति यहाँ पे होगा। एक अच्छी यूनिएक्सियल गति किसमें होगा, तो कोर संधि यानी कि कब्जा संधि में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वि अच्छी संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, द्वि अच्छी संधि का उदाहरण यहाँ पे धुराग्र संधि यानी कि जो रोटेशन मोमेंट होता है, जिसे हम रोटेशन जो हमारा गर्दन का ज्वाइंट होता है, हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, बहु ये मल्टी एक्सियल गति हो जाएगा। बट यहाँ पे कोर संधि को भी दिया है, लेकिन ये सही नहीं होगा। कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट, वो एक ही तल में गति करता है, एक ही दिशा में। तो यहाँ पे ए अभी दोनों ऑप्शन राइट दिया है, लेकिन यहाँ पे केवल धुराग्र होना चाहिए यानी पीवर ज्वाइंट। नेक्स्ट है, अच्छी यानी एक्सियल अस्थि पंजर में अस्थियों की संख्या कितनी है। तो अस्थियों की जो संख्या होती है, कुल शरीर में 206 होती है, जिसमें दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल एंड अपेंडिकुलर कंकाल। तो एक्सियल कंकाल में 80 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें हमारे कपाल यानी एक स्कल की 29 हड्डियाँ, जिसमें खोपड़ी में 8, चेहरा में 14, कान में 6, हेड बोन 1। एंड वर्टिबल कॉलम यानी कि मेरुदंड की 26 हड्डियाँ वयस्कों में और 33 बच्चों में होता है, जिसमें से हमारी जो वयस्क सर्वाइकल बोन होती है 7 होती है, वच्छ यानी थोरेसिक बोन होती है 12, लंबर यानी कमर वाला 5, सेक्रल 5, कॉक्सीजियल 4। यही 5 और 4 मिलकर के सेक्रल जो है 5 मिलकर के 1 हो जाती है वयस्क में, और कॉक्सीजियल 4 मिलकर के 1, जिसमें से वयस्कों में 26 हड्डियां बचती हैं। और पसलियां यानी रिब्स में जो होती हैं, जो बीच में मोटी हड्डी होती है उरोस्थी, उरोस्थी को 3 भाग होते हैं, मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जिफॉइड। मैनुब्रियम जिसके 7 दोनों हसली जुड़ी रहती हैं, ग्लैडियोलस से 7 पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, जीफाइट के नीचे यकृत, अमाशय, पित्ताशय और तिल्ली सुरक्षित रहती हैं, और उसी मोटी हड्डी से जुड़ी रहती हैं दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ यानी 24। कुल मिलाकर के 80 हड्डियाँ होती हैं आपके एक्सियल कंकाल में, जिसमें हमारा कपाल और वर्टिब्रल कॉलम, पसलियाँ, उरोस्थी आदि है, स्टर्नम आता है। और 126 हड्डियाँ होती हैं अपेंडिकुलर यानी कि अनुबंधी में, जिसमें हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आता है। अपर लिम्ब में 64 हड्डियाँ दोनों हाथ, कंधे और हौसली आती हैं, दोनों हाथों में 30 यानी 60 और दो हौसली और दो कंधे की 64 हो गए। और लोअर लिम्ब में दोनों पैरों में 30 हड्डियाँ और दो हमारे पेल्विक यानी कि हिप की हो गई यानी कि 62। कुल 126 अपेंडिकुलर हड्डियाँ होती हैं, यानी एक्सियल कंकाल 80, अपेंडिकुलर 126, कुल मिलाकर के 206 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सियल अस्थि पंजर की संख्या 80। नेक्स्ट है, उपबंधी यानी अपेंडिकुलर अस्थि पंजर की अस्थियाँ कितनी होती हैं। 126 होती हैं, उसमें भी अपर लिम्ब में 64 और लोअर लिम्ब में 62 हड्डियाँ। याद रखिएगा, जो कलाई की हड्डियाँ होती हैं कार्पल 8 होती हैं, जबकि टखने की जो हड्डियाँ होती हैं टार्सल वो 7 होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। नेक्स्ट है, एक ओर से दूसरी ओर पार्श्विक रूप में गुजरती हुई कल्पित रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको पार्श्विक अक्ष कहा जाता है, एक ओर से दूसरी ओर पार्श्विक रूप से गुजरती हुई कल्पित रेखा को पार्श्विक अक्ष कहते हैं। दोस्तों, अक्ष यानी कि एक्सिस
और जो तल है प्लेन, दोनों तीन तीन होती हैं, आपको इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है धड़ का तिरछा झुकाव। धड़ का तिरछा झुकाव किसके संचलन का उदाहरण है? दोस्तों धड़ का तिरछा झुकाव हो रहा है यानी कि दाएं बाएं गति हो रही है। तो जैसे कि जो हमारा प्लेन होता है, तल होता है, तिल होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, फ्रंटल प्लेन को क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। तो जो हमारे धड़ का तिरछा झुकाव, यानी कि तिरछा झुकाव का मतलब दाएं बाएं गति हो रही है। तो मैंने कई बार बताया है कि जो सेजिटल प्लेन होती है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स जो होता है वो सेजिटल प्लेन में होती है। जस्ट उल्टा याद करिएगा, सेजिटल प्लेन यदि दाएं बाएं भागों में बांटता है शरीर को तो गति आगे पीछे होगी, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। और फ्रंटल प्लेन जो होता है शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है लेकिन गति दाएं बाएं होती है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होती है वो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और सभी रोटेशन और इलेवेशन मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शरीर का तिरछा झुकाव यानी कि दाएं बाएं गति हो रही है। गति दाएं बाएं हो रही है तो यहाँ पे तल क्या होगा? तो यहाँ पे तल यानी दाएं बाएं गति किसमें होती है? फ्रंटल प्लेन में। फ्रंटल प्लेन जो होता है शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं होती है, एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट। तो दाएं बाएं गति हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा सामने का स्तर यानी कि असमीपार्श्व अक्ष। सामने का स्तर असमीपार्श्व अक्ष यानी कि सेजिटल एक्सिस। एक्सिस भी तीन होता है, फ्रंटल, सेजिटल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। फ्रंटल एक्सिस सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है, याद रखिएगा। फ्रंटल सेजिटल के लंबवत, सेजिटल फ्रंटल के लंबवत। यहाँ पे जब सामने का स्तर यानी फ्रंटल प्लेन हो रहा है तो अक्ष कौन होगा? उसका जस्ट उल्टा। सेजिटल अगर प्लेन है तो सॉरी अगर फ्रंटल प्लेन है तो सेजिटल एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सामने का स्तर यानी कि फ्रंटल एक्सिस है, फ्रंटल प्लेन है तो एक्सिस क्या हो जाएगा? समीपार्धि यानी कि सेजिटल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे धड़ का तिरछा झुकाव दाएं बाएं गति हो रही है तो फ्रंटल तल है और सेजिटल अक्ष है, यानी कि फ्रंटल प्लेन है और सेजिटल एक्सिस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, वहीं भी पूछा है धड़ का आगे का झुकाव किसके संचलन का उदाहरण है? तो दोस्तों आगे झुक रहे हैं यानी फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है, पीछे झुकना, तो आगे पीछे गति हो रही है। तो गति जब आगे पीछे होगी तो कौन सा तल होगा? आगे पीछे होगी तो यहाँ पे तल होगा सेजिटल प्लेन। यानी कि सेजिटल प्लेन में क्या होता है कि शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा समीपार्ध स्थल यानी कि सेजिटल तल। सेजिटल तल यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट दिया है दोस्तों, तो मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। तो धड़ के आगे का झुकाव किसके संचलन का उदाहरण है? समीपार्ध स्तर यानी कि सेजिटल प्लेन का। नेक्स्ट है गुल्फ संधि पर पद का आगे की ओर ऊर्ध्व संचालन क्या है? तो यह आगे की ओर ऊर्ध्व संचालन तो पृष्ठीय आकुंचन है यानी कि फ्लेक्शन है। नेक्स्ट है सिर को कंधे के दाएं और बाएं झुकाना। जो हमारा सिर है कंधे के दाएं बाएं झुकाना, इसमें हमारा कौन सी गति होती है? पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट के अंतर्गत हमारा सिर की गति आती है। तो सिर को कंधे के दाएं और बाएं झुकाना यानी कि दाएं बाएं पार्श्व, उसके पार्श्विक आकुंचन झुकाने का बात हो रहा है, यानी कि कोण कम हो रहा है। कोण कम हो रहा है तो क्या होगा? फ्लेक्शन होगा यानी कि आकुंचन हो रहा है। हिंदी में आकुंचन, इंग्लिश में फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल आकुंचन नहीं होगा, पार्श्विक आकुंचन यानी कि बगल में हो रहा है आकुंचन, तो पार्श्विक आकुंचन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्श्विक आकुंचन। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा गति का नियम एक अन्य नाम है, तो आप सबको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।